भी एक महीने में 5 से 6 किलो वजन कम करना चाहते हैं तो बस आज की मेरी कंप्लीट वीडियो को फॉलो कर लीजिए, वो भी बिना किसी डाइटिंग के आपका 5 to 6 kg वेट लॉस होगा ही होगा। सुनकर थोड़ी सी हैरानी हो रही होगी, राइट? बिल्कुल पॉसिबल है। बस मैं आज आपको बताऊंगी करेक्ट टाइमिंग्स और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स जो एक्सरसाइज के साथ अगर आप लाइफ लॉन्ग के लिए गार्ड बांध के रख लेंगे तो जो आप वेट लॉस करेंगे ना वो मेंटेन भी रहेगा। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग वेट लॉस तो बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं और वापस से हमारे शरीर पर चर्बी जमा होने लग जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ एक्सरसाइज से पहले इंपॉर्टेंट टिप्स की। तो सबसे पहले मेरा इंपॉर्टेंट टिप क्या रहेगा, आपने एक महीना जब आप ये फुल बॉडी वर्कआउट मेरा फॉलो कर रहे हैं, इस एक महीने में आपने बाहर का कुछ नहीं खाना, बाकी घर का जो भी आपका सादा खाना है वो खाएं। घर का खाने का मतलब ये नहीं कि बाहर का अगर आप तला भुना खाते हैं, बाहर के चिप्स खाते हैं तो घर पे चिप्स तलना शुरू कर दें, बिल्कुल नहीं। फ्राइड चीजें आपने बिल्कुल नहीं खानी क्योंकि जब हम तला हुआ बहुत ज्यादा खाते हैं तो हमारी बॉडी में वो स्टोर होने लगता है और फिर वो धीरे धीरे फैट के रूप में कन्वर्ट होता है, चाहे फिर आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लें वो कम नहीं होगा। ठीक है, टिप नंबर 2 है कि आपने पूरे दिन में कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पीना है। टिप नंबर 3, आपको पूरे दिन में कभी भी जब भी टाइम मिलता है किसी भी मील के 1 घंटे बाद आपने मेरा ये वर्कआउट करना है। इसके साथ एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि आपने 8 बजे से पहले पहले डिनर कर लेना है और नेक्स्ट डे आपने 10 बजे से पहले कुछ नहीं खाना। सिर्फ मेरे ये टाइमिंग वाला अगर आप ये रोल अपनी जिंदगी में गार्ड बांध लेंगे ना, 15 डेज में ही, 1 मंथ तो बहुत दूर की बात है, मात्र 15 दिन में आपको आपकी बॉडी में ह्यूज डिफरेंस फील होगा। आपका टमी पहले से आपको बहुत ज्यादा फ्लैटन फील होगा। किस वजह से? 8 बजे से पहले डिनर कर लेना है, उसके बाद सिंगल चीज भी आपने कुछ नहीं खानी और अगले दिन 10 बजे से पहले आपने पानी के अलावा पूरा दिन कुछ नहीं पीना। 10 बजे के बाद आप अपना नॉर्मल ब्रेकफास्ट या डेली रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आज का स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। सबसे पहले हमें अपने वेस्ट पे हैंड रखना है और उसके बाद में अपनी लेग्स को ओपन करना है। ठीक है, ऐसा हम कितनी बार करेंगे? ऐसा हम एटलीस्ट करेंगे कम से कम 50 टाइम्स। 50 के हमने 2 सर्किट्स करने हैं, यानी 2 बार हम उसे रिपीट करेंगे। 50 टाइम आप जंप करेंगे। जब हम जंप करते हैं तो इससे क्या हो रहा है, आपका लोअर बॉडी अपर बॉडी बहुत अच्छे से एंगेज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आपने ऐसे ही 10 सेकंड का रेस्ट लेना है और बाकी के 2 सेट्स कंप्लीट करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलैक्स, तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम टारगेट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपनी अपर बॉडी को। अपर बॉडी को कैसे टारगेट होगा आपका, जिसमें ग्राफ फाइट जैसे हम कहते निकल जाता है, आपकी आर्म्स, आपके शोल्डर, आपका ब्रेस्ट, सब इसमें टारगेट होगा। कैसे? आपने हैंड्स को पहले से ज्वाइन करना है, आगे लेकर जाना है और जंप करना है। यहाँ पर आपकी सेकेंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। इसी के साथ करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब हम करेंगे जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स में क्या होगा, आपका ओवरऑल बॉडी बहुत अच्छे से टारगेट होगा। फर्स्ट हमने इस तरीके से किया था, इसमें आपकी लोअर बॉडी ज़्यादा टारगेट हो रही है। फिर हमने फ्रंट ऐसे किया था, इसमें आपकी अपर और लोअर दोनों टारगेट हो रही हैं। अब जब हम जंपिंग जैक्स करते हैं तो इससे आपका ओवरऑल बॉडी से एंगेज होता है। ट्रस्ट मी, जितनी एक्सरसाइज बताऊंगी ना इतना सुपर इफेक्टिव रिजल्ट देंगे ना आपको, आपको कोई और एक्सरसाइज फॉलो ही नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। इसको हम करेंगे 100 और इसके हम करेंगे 2 सेट्स। ओके, रिलैक्स, यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने फीट्स को ट्विस्ट करना है, किस तरीके से? इसको हम करेंगे 50 टाइम्स और इसके करेंगे हम 2 सेट्स। कोई भी एक्सरसाइज जब आपको मैं बता रही हूँ जितने सेट्स करने हैं, यानी रिपीटेशन अगर आपको मैं बता रही हूँ 50 करनी है, 100 करनी है, तो मेक श्योर आप उतना ही करें, क्योंकि अगर आप अपनी मर्जी से कम कर लेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। ज़्यादा डेफिनेटली कर सकते हैं,
वन वीक अगर आपको इस एक्सरसाइजेस को फॉलो करते हो जाए तो अपने आप से सेटिस्फाई मत होइए। नेक्स्ट डे आप दोबारा से 20-20 करके और इंक्रीज कर दीजिए सारे सेट्स में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके साथ बढ़ते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब लास्ट एक्सरसाइज में हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है, ट्विस्ट करेंगे। इससे क्या हो रहा है, आपका अपर बॉडी, आपका लोअर बॉडी और आपका बेली सारा पार्ट इससे एंगेज हो रहा है, ठीक है। तो आपका लोअर बॉडी, जो आपका लोअर टमी है जो बहुत ज़्यादा सैक कर गया है, वो भी इससे फॉर्म हो जाएगा। 50 टाइम्स हम करेंगे लेफ्ट साइड, 50 टाइम्स करेंगे हम राइट साइड और इसके करेंगे हम 2 सेट्स। रिलैक्स, अदर साइड करेंगे अब हम। ओके, डन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वर्कआउट कंप्लीट होता है जो हमने आज करा है फुल बॉडी को टारगेट। इसी तरीके से देखिए आप पूरे बॉडी का अदर एक्सरसाइज कर सकते हैं जो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, ठीक है। इसके साथ जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में टिप्स बताई हैं उनको मेक श्योर करेगा कि फॉलो ज़रूर करें। आपने एक्सरसाइज शुरू करी और आपको इससे क्या रिजल्ट मिला एक महीने में, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, क्योंकि जो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे वो काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।